मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, सब ठीक होंगे। आज 29 जुलाई 2020 और बुध का दिन है। ये हमारी उर्दू की क्लास है, तो सब बच्चे उर्दू की क्लास के लिए रेडी हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारी आवाज़ों के साथ हरूफ की पहचान है। लास्ट कल हमने यही टॉपिक पढ़ा था, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। भारी आवाज़ों के साथ हरूफ की पहचान करवानी है, जिसमें सफ़ा नंबर जो है वो 9 आपका शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 9 योर अपनी रीडिंग किताब बुक की। सब बच्चे अपनी उर्दू की किताब पढ़िए और सीखिए का सफ़ा नंबर 9 खोल लें। कल हमने जो है वो भा से लेकर ठ तक पढ़ा था। आज हम जीम है, जीम और दो चश्मी है, झ से शुरू करेंगे। झ झुंझुना, झ झंडा, झ झूला, छ छत, छ छलनी, छ छतरी, छ थ धनक, थ थ धागा, थ थ धोबी, ढ ढ ढेर, ढ ढ ढोल, ढ ढ ढीला। चलिए हम इसके बारे में वीडियो देखते हैं। चश्मी है झ, झ से झाड़ू, झ से झाड़ू, झ झ झ झ झ झ झ से झाड़ू, झ से झाड़ू, झ झ झ झ झ झ झ से झाड़ू, झ से झाड़ू, झ झ झ झ झ झ चश्मी है छ, छ से छाता, छ से छाता, छ छ छ छ छ छ छ से छाता, छ से छाता, छ छ छ छ छ छ छ से छाता, छ से छाता, छ छ छ छ छ छ दाल दो चश्मी है ध, ध से धागा, ध से धागा, ध ध ध ध ध ध ध से धागा, ध से धागा, ध ध ध ध ध ध ध से जी। वीडियो को देखने के बाद इसकी साउंड्स आपको और अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। झ झ झुंझुना, झ झंडा, झ झूला, छ छत, छ छलनी, छ छतरी, ध धनक, थ धागा, थ धोबी, झ ढेर, झ ढोल, झ ढीला। सब बच्चे अब अपनी उर्दू की वर्कबुक निकाल लें। सफ़ा नंबर इसका 21। खुश ख़त लिखना है आपने, हरूफ की वाओ के साथ बनावट, ठीक है? इसकी फॉर्मेशन मैं आपको सिखाती हूँ, तो फिर आपने इसको खुश ख़त लिखना है। अरे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज
आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरूफ की वाव से दोस्ती। जब हम हरूफ की वाव से दोस्ती कराने लगते हैं तो किसी भी हर्फ को जब हम वाव से मिलाने लगते हैं तो वो ऊपर चला जाता है और वाव दरमियान की दो लाइनों में लिखा जाता है। जैसा कि अब मैं आपके सामने बे की दोस्ती वाव से करवाने लगी हूँ। ये हमारा पहली लाइन से के नीचे से ज़रा सा नीचे से बे शुरू होगा। ये हमारी बे की शक्ल। इसके साथ हम गोल घुमा के वाव को दोस्त बना देंगे। ये बन गया बे वाव बो। बे वाव बो के बाद बे और उसके ख़ानदान के बाकी हरूफ को भी ऐसे ही वाव से मिलाया जाएगा। बे के बाद जीम के ख़ानदान की बारी आती है। ऊपर की दो लाइनों में जीम की छत बनाएंगे। नीचे लाते हुए दरमियानी दो लाइनों में उस जीम को वाव का दोस्त बना देंगे। ये बन गया जीम वाव जो। जीम का नुक्ता हमने लगाया। जीम के ख़ानदान के बाकी हरूफ की दोस्ती भी इसी तरह वाव से करवाई जाएगी। दाल और रे को वाव के साथ जोड़ के लिखा नहीं जाता। अब हम इसके बाद सीन को लिखेंगे। सीन को भी ऊपर की दो लाइनों में सीन की छोटी शक्ल बनाई जाएगी। सीन भी हमारा ऊपर चला गया और उसके नीचे सीन को वाव के साथ दोस्त बना लिया। आप देख सकते हैं कि हर हर्फ बीच की लाइनों से उठकर ऊपर चला गया है और वाव हमारे दरमियान की दो लाइनों में आ गया है। स्वाद को भी हम ऊपर की दो लाइनों में स्वाद का पत्ता बनाएंगे। शोशा बनाते हुए नीचे लाएंगे और उसको वाव से जोड़कर दोस्त बना दें। जी तो प्यारे बच्चों, आपने इसकी हरूफ की वाव के साथ बनावट को खुश खत लिखना है लाइन के ऊपर जिस तरह वो लिखा हुआ है। अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। नोट कर लें होमवर्क उर्दू का 2 पेज नंबर 21 ऑन वर्कबुक। वर्कबुक का सफ़ा नंबर 21 जो है वो आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।